लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे, तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है। और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश है, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश के एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलके काम कर रहे हैं। किसी इसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए, और कितने उसमें बचेंगे, हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहाँ बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीज़ें हमको नहीं बताई, इसीलिए हमने सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने वॉकआउट करके चले गए, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश के सुरक्षिता के लिए, देश के अखंडता के लिए हम सारे एक हैं, और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।